आप रिप्लेसमेंट देख सकते हैं 22 को। अमजी वाकई हैरान करने वाला ये खुलासा भज्जी ने किया, क्या कहेंगे, 80 रन बनाए वॉटसन ने, डटे रहे मैदान पर, खून बह रहा था लेकिन एक शिकन चेहरे पर नहीं थी। देखिए क्रिकेट गेम ऐसा है या कोई भी स्पोर्ट्स, लो इंजरीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी नहीं होती, बस सबसे बड़ी बात आप इंजरी में खेलते हो, ये कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाता है क्या कमिटमेंट लेवल जो आपकी टीम के लिए कितना बड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि हर प्लेयर कोई ना कहीं थोड़ी निकल लेके चलता है, आप उस निकल में खेलते जरूर हैं, पर वही बात है कि आपके अंदर से वो चीज आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं खेल सकता हूँ तो लोग खेलते हैं, जिनको लगता है कि वो इंजरी में नहीं खेल सकते वो नहीं खेलते, तो एक चीज है। पर ये मैच इंपॉर्टेंट है, ऐसा शेन वॉटसन का कोई क्रिकेट थी नहीं कि उनको वर्ल्ड कप खेलने जाना था या वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको ये लगा कि ये मैच है, शायद वो आपको नेक्स्ट आईपीएल में दिखे ना, तो एक अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहते थे। उन्होंने जिस तरह से पारी खेली, मैं कहता उस पारी ने ही चेन्नई को मैच में रखा, अगर वो पारी नहीं होती तो शायद ये एक रन से जो हार हुई शायद लंबी भी हार हो सकती थी। पर मैं एक मानता हूँ जो कमिटमेंट लेवल हर प्लेयर का होता है वो ये दिखाता है कि आपको ऊपर सोचना पड़ता है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चीजें चलती रही तो आपके प्रदर्शन पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल, और आपने कहा कि चेन्नई की हार थोड़ी बड़ी हो सकती थी और शायद शेन वॉटसन खेलते रहे इसीलिए इतने कम अंतर से हारे या एक रन से हारे, लेकिन कहीं ना कहीं चेन्नई की हार के पीछे क्या ऐसे वजह माना जा सकते हैं, क्योंकि दिक्कत रन लेने में जाहिर है कि रही होगी, भागने में दिक्कत हो रही होगी और फिर रन आउट भी हो गए शेन वॉटसन। देखिए मैं भागने की नहीं बात करूंगा, मैं मानूंगा कि आपकी शॉटों में असर पड़ता है, क्योंकि जब दर्द होता है तो आपको टांगे अगर आपके हाथ नहीं चलेंगे तो आपकी गेम भी नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं था कि रन आउट का ये कारण था। मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत कॉल ली, अगर वो रन ना लेते